आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए। तू तो बैठ ही रहे सर। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार विधानमंडल में चल रहे सत्र को लेकर। बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। विधान परिषद में आज 12वें दिन कार्यवाही के दौरान सदन में गहमागहमी दिखी। इस बार सीएम नीतीश कुमार कार्यवाही के दौरान राजद के एमएलसी सुबोध राय पर जमकर बरसे। उन्होंने सुबोध राय को जमकर फटकार और सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों की जानकारी को लेकर नसीहत दे डाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले राजद के एमएलसी को सलाह दी कि वो पहले कार्यवाही के नियमों को जाने। दरअसल राजद एमएलसी मोहम्मद फारूख ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री से एक सड़क मामले को लेकर सवाल पूछ रहे थे। मंत्री जयंत राज ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन मोहम्मद फारूख उस सवाल से संतुष्ट नहीं थे। इसके ठीक बाद मोहम्मद फारूख ने पूरक सवाल पूछ लिया और जवाब मंत्री को देना पड़ा, लेकिन इसी बीच राजद एमएलसी सुबोध राय खड़े हो गए और पूरक सवाल पूछने लगे, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार खुद खड़े हो गए और मोर्चा थाम लिया। उन्होंने सुबोध राय को समझाना शुरू कर दिया कि ये तरीका नहीं है, मंत्री पूरक सवाल का जवाब देंगे, इस बीच उन्हें सवाल करने का अधिकार नहीं है। आप खुद ही सुन लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन है? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए। तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप उन्होंने आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय, आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज? आप बैठिए, 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 बैठिए। पूछा जाता है, मैं नहीं बोलता हूँ अभी, चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा, अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे, इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। और जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में तो इनको तो बताना चाहिए। आपके बगल में सब नए लोग हैं, आप कम से कम बता तो दिया करिए कि प्रश्न किसी ने पूछा है, जिनका प्रश्न है उनको सप्लीमेंट्री पूछने का सबसे पहला अधिकार है। और सभापति महोदय आपसे भी कहेंगे कि ये बात कह देना चाहिए, बाकी पूछिए ना, आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पहले उनका उत्तर का जवाब दे देने दीजिए। नहीं, बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।